Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by the brand Estee Lauder. So this is their super smooth 5% AHA toner. So this is how the product looks like. अभी थोड़े दिन पहले मैंने Estee Lauder के दूसरे टोनर का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था. वो भी एक एक्सफोलिएटिंग टोनर था एंड ये भी एक एक्सफोलिएटिंग टोनर ही है. ये 5% AHA के साथ आता है एंड दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग टोनर. सो एक नॉर्मल टोनर और एक एक्सफोलिएटिंग टोनर में ये डिफरेंस होता है कि एक नॉर्मल टोनर आपके पोर्स को बंद करने में हेल्प करता है. ठीक है, जब आप डबल क्लेंज करते हो अपनी स्किन को एंड उसके बाद कॉटन पैड पे एक नॉर्मल टोनर को यूज करते हो तो आपकी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह रिमूव होती है. बट एक एक्सफोलिएटिंग टोनर क्या करता है, एक आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है. जैसे यू नो केमिकली हम एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को सीरम्स लगा के या यू नो पील्स लगा के, उसी तरह से ये टोनर भी वही काम करता है. तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स जो होते हैं ना, ये एक्सफोलिएटिंग टोनर से काफी हद तक क्लीन हो जाते हैं. एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से मैंने Estee Lauder के टोनर यूज करने स्टार्ट किए हैं, इनका जो 2% सैलिसिलिक एसिड वाला टोनर भी है वो भी एक एक्सफोलिएटिंग टोनर है एंड ये वाला भी एक्सफोलिएटिंग टोनर है. सो कंटिन्यूसली अराउंड मुझे 4 to 5 months इजिली हो गए हैं ये एक्सफोलिएटिंग टोनर्स को यूज करते करते एंड मैंने विजिबल डिफरेंस देखा है अपने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड में. ठीक है, सो अगर इफ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन और आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का इशू है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी टोनर डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप या योर स्किन रिक्वायरमेंट. सो इसमें है एप्रिकॉट एंड फ्रूट एंजाइम और 5% ग्लाइकोलिक एसिड है एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डल एंड ड्राई स्किन. डल एंड रफ स्किन आपकी स्किन को स्मूदन करने में हेल्प करता है, ब्राइटन करने में हेल्प करता है. ठीक है, और 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है. और इन्होंने क्या लिखा है, ये दिस डीपली एक्सफोलिएटिंग टोनर इज पावर्ड विद 5% ग्लाइकोलिक एसिड दैट इज एन AHA जो कंबाइन किया गया है एक फ्रूट एंजाइम के साथ जो कि 100% नेचुरल एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट है. ये आपकी डल स्किन को लिफ्ट करता है, डेड स्किन सेल्स को यू नो रिमूव करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन के नेचुरल रिन्यूअल प्रोसेस में हेल्प करता है और जिससे आपकी स्किन सुपर स्मूद और ब्राइट लगती है. डर्मैक्स ने इसे टेस्ट किया है, इट इज नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट which is great for everyone out there. Paraben free है, alcohol free है and oil free है, PETA approved है. आजकल बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में. ठीक है, so yeah, पूरी ingredient list इसकी packaging पे भी दी है and आपको online जिस भी website से आप purchase करोगे आपको दिख जाएगी. 399 rupees इसका price point है and around 2 years इसकी shelf life है. 150 ml इसकी product quantity है and I just love this product. As I said कि मुझे एक visible difference दिखा है जब से मैं ये STI के टोनर यूज कर रही हूं. द मेजर डिफरेंस बिटवीन यू नो दैट सैलिसिलिक एसिड वन एंड दिस वन इज कि इसका जो एक्सफोलिएशन लेवल है ना वो है डीप एंड उसका जो है वो है मॉडरेट. ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का एक्सफोलिएशन चाहिए. ये लोग तो इन्होंने तो लिख दिया है दिस इज सूटेबल फॉर डेली यूज, बट आप अगर बिगिनर हो एंड इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद AHAs एंड PHAs देन मे बी यू कैन यूज, यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट लाइक यू नो वंस और ट्वाइस अ वीक. उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो. मैं इसे एवरी ऑल्टरनेट डे यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका जो एक्सफोलिएशन लेवल है वो डीप है. इस वजह से आई डोंट विश टू ओवर एक्सफोलिएट माई स्किन एंड ऐसा नहीं है कुछ रगड़ना पड़ता है या कुछ लगाना पड़ता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेली यूज करके, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे डेली यूज करना चाहिए ये. सो आपकी अपनी मर्जी है. इन्होंने तो लिखा है इट इज सूटेबल फॉर डेली यूज, बट मैं डेली नहीं करती हूँ, एवरी ऑल्टरनेट डे. एंड जब से मैंने ये टोनर्स यूज करने अपने स्किन केयर रिजीम में एक्सफोलिएटिंग टोनर्स को इंक्लूड किया है, मैंने अपनी स्किन में एक ह्यूज डिफरेंस देखा है. स्किन सच में काफी स्मूथ होती है, पोर्स पे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और सबसे अच्छा रिजल्ट ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स पे मिलता है. यू नो धीरे धीरे आपको दिखेगा एक विजिबल डिफरेंस. सो अगर आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का बहुत ज्यादा इशू रहता है ना आपकी स्किन में, आप इसको जरूर ट्राई करो, इसको या Estee Lauder के दूसरे टोनर को. डेफिनेटली आपको यू नो एक डिफरेंस दिखेगा. इट इज अफोर्डेबल, ऑनलाइन अच्छे डिस्काउंट पे आता रहता है एंड आई वुड हाईली रेकमेंड दिस प्रोडक्ट. इनिशियली डोंट यूज इट डेली,
And if you're a beginner, if you're a teenager, if you're just starting out with toners and all of that, then you don't need this exfoliating toner in your life. You can go for normal rose water or maybe any, you know, basic toner. You don't need any toner that has glycolic acid or anything, or AHA, BHA, anything. You don't need that, ठीक है? So काफी सारे teenagers या beginners मुझसे पूछते हैं, so मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, you don't need that. So अगर आपको लगता है आपकी skin थोड़ी problematic है, pores का issue है, blackheads, whiteheads का issue है, only then go for an exfoliating toner, ठीक है? Otherwise normal toner is fine, normal rose water is fine, seriously. ठीक है, so I would recommend this product. अगर आपकी डल एंड रफ स्किन है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इसे. आई रियली लाइक इट. सो दैट इज ऑल फॉर द मिनी रिव्यू टुडे. आई होप आपको पसंद आया होगा. इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू गाइस, बाय बाय.